मैंने काफी लोगों को देखा है ये बोलते हुए कि भाई रॉयल एनफील्ड में बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस होते हैं ये वो। भाई एक बात सुनो, खुद ये बाइक चला के देखो, भूल जाओगे वाइब्रेशन, सब कुछ भूल जाओगे। जब ये भाई रास्ते पे चलती है ना तो लगता है कि हाँ भाई बाइक चल रहा है, इतना मजा आता है चलाने के लिए। मैंने चलाया है थोड़ा बहुत, बट आई हैव नॉट टेकन इट इन द व्लॉग बिकॉज हेलमेट, बिना हेलमेट के इधर गली में चला रहा था और आई डोंट हैव अ लाइसेंस एज वेल, तो मुझे वो गलत इन्फ्लुएंस नहीं देना है। About midnight, the ghosts and banshees get together for a jamboree. There's ghosts with horns and some the eyes, and some have things about this size. Some short and fat, some tall and thin, and some don't even bother to wear their skin. Headless horsemen. Some don't even bother to wear their skin. Headless horsemen. Hey guys, welcome back to the channel. अब ये जो टी शर्ट है ये मैं पहन रहा हूँ ऑलमोस्ट ऑफ म्यूजिक बंद हो जाओ भाई। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो टी शर्ट है ये मैं पहन रहा हूँ ऑलमोस्ट आफ्टर 2 years, मतलब मैंने 2018 में लिया था और उसके बाद मैंने कभी पहना ही नहीं, बिकॉज़ ये जो टी शर्ट था ये मेरी मम्मी ने किधर तो छुपा के रख दिया था। तो MNK काफ़ी सारे टी शर्ट्स ऐसे हैं जो भी एकदम अपने को परफेक्ट फिट आता है। पहले इतना परफेक्ट फिट नहीं आता था क्योंकि मैं बहुत पतला था पहले, एंड अभी अपना थोड़ा बढ़ गया है, ये साइड पेट थोड़ा कम करना है, आई एम वर्किंग ऑन दैट। एंड एज द टाइटल सजेस्ट, आज का अपना वीडियो होने वाला है अबाउट द रॉयल एनफील्ड। वैसे मैं प्लान तो काफ़ी टाइम से कर रहा था टू मेक अ वीडियो, बट नहीं हो पा रहा था क्योंकि बाइक की हालत बहुत ज़्यादा गंदी थी, सर्विस नहीं किया था और वो सब सीन चालू था। तो अभी इन द लास्ट वीक मैंने सर्विस कराया, किससे कराया वो बाद में बताऊँ, पहले बैक स्टोरी देता हूँ कि बाइक लिया कैसे था और क्या किया था। सो लेट्स बिगिन। जो मेन चीज़ मुझे शेयर करनी थी सिंस सच अ लॉन्ग टाइम, वो आज मैं करने वाला हूँ। एक्चुअली मैंने ये जो वीडियो था वो प्लान किया था कुछ 3 महीने पहले, बट शूट ही नहीं कर पाया, एज आई सेड कंडीशन ख़राब था बाइक का एंड आई डेंट वॉन्ट टू शूट इट इन दैट वे। अभी तो भाई देखो एकदम बाइक पूरा चमक रहा है, एकदम वो जो एंटी रस्ट सोल्यूशन था निकाल दिया है और पूरा धो हो के सर्विस होके एकदम बाइक रेडी है। सो आई वॉज लाइक कि भाई चलो अभी ब्लॉग शूट करेंगे। मैंने जस्ट नोटिस किया कुछ ज़्यादा ही आवाज़ आ रहा है तो मैं इसको बंद कर देता हूँ फॉर नाउ। और अभी आपको एक छोटी सी अच्छी स्टोरी सुनाता हूँ कि ये बाइक लिया कब था, कैसे लिया था, व्हाट वाज द प्लान ऑफ बाइंग दिस बाइक। अब ये जो बात है ये 2007 या 2008 की, जब मेरे डैड ने फर्स्ट टाइम ऑन रोड रॉयल एनफील्ड देखा था। तो तब मेरे डैड को पता नहीं था कि रॉयल एनफील्ड करके कोई बाइक होता है, सो ही सॉ दिस बाइक ऑन रोड। मतलब ऐसा नहीं था तब, बुलेट वगैरह सब आते थे, तो मेरे डैड ने रस्ते पे देखा था कि हाँ भाई चलो बुलेट जैसा है कुछ। एंड देन एंड देर ही मेड अ डिसीजन, ही मेड अ कॉल कि भाई ये बाइक लेंगे कैसे ना कैसे करके लेंगे। 2007 या 8 में मोस्ट ऑफ द पीपल डिंट यूज टू बाई सच बिग बाइक्स, कार्स एंड एवरीथिंग। तो वो टाइम पे मेरे डैड की भी कुछ ऐसी हालत थी, सो ही वॉज लाइक कि भाई चलो 5-6 साल तक पैसे जमा करेंगे एंड आफ्टर दैट ही विल बाई दिस बाइक। तो ऑलमोस्ट 2013 या 14 तक माई डैड कलेक्टेड द मनी एंड ये बाइक नहीं लिया था तब। एक्चुअली वी हैड अ थंडरबर्ड 350, अगर मुझे फोटो मिलेगा कहीं से तो मैं डालूंगा इस व्लॉग में। तो वी हैड अ थंडरबर्ड 350 इन दोज डेज, और वो जो 350 था ना बाइक वो बहुत अच्छा बाइक था, लाइक इट वॉज नॉट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं था उसमें, कुछ भी नहीं था, सादा बाइक था कार्बोरेटर वाला, इसमें फ्यूल इंजेक्शन है बट उसमें कार्बोरेटर था। तो फाइनली 1 साल चलाया, बहुत मज़ा आया एंड देन आफ्टर समथिंग 2000-3000 किलोमीटर्स मेरे डैड ने उसको रॉयल एनफील्ड के ही कोई सर्विस आउटलेट में दिया फॉर सर्विसिंग, एंड वो लोगों ने कुछ इश्यू कर दिया था बाइक के साथ। आफ्टर दैट बाइक का परफॉर्मेंस एकदम बिगड़ गया, वो जो 350 था उसका परफॉर्मेंस एकदम बिगड़ गया, मज़ा नहीं आ रहा था चलाने के लिए। एंड फाइनली मेरे डैड को लगा कि इसमें मतलब वो जो पहले मज़ा आता था ना सर्विसिंग के पहले, वो निकल गया था पूरा। तो किसी अंदर के रिलेटिव को मेरे डैड ने बेच दिया वो 350, उसमें मतलब अच्छा बाइक था और मुझे भी बहुत पसंद था क्योंकि मेरा और मेरे डैड की दोनों की ड्रीम थी कि रॉयल एनफील्ड ले। मैं बहुत छोटा था, 2012 या 11 का कुछ टाइम था, हम लोग ने लिया बट वी आर नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड आफ्टर दैट सर्विस। तो वी सोल्ड दैट बाइक, मेरे डैड के कोई कज़िन है उनको बेचा था, तो वी सोल्ड दैट 350। ना आफ्टर सेलिंग दैट 350 मेरे डैड को पूरा मूड मर गया था कि भाई रॉयल एनफील्ड लेंगे, मतलब हम लोग ने डिसीजन ड्रॉप कर दिया था क्योंकि सर्विस सेंटर वालों ने ही एक्चुअली सीन कर दिया था बाइक के साथ। एंड वी आर लाइक कि भाई अभी सर्विस सेंटर वाले इतना ख़राब सर्विस कर रहे हैं तो रॉयल एनफील्ड लेंगे मतलब नहीं है।
फिर 2-3 साल हम लोग ने वेट किया एंड फाइनली ये लॉन्च हुआ थंडरबर्ड 500। और ये पूरा नया थंडरबर्ड है, वो जो हम लोग का थंडरबर्ड था वो पुरानी स्टाइल पे था एंड दिस इज़ अ कंप्लीट क्रूजर। एरोडायनामिक्स पे रॉयल एनफील्ड ने बहुत काम किया था इस बाइक के लिए, मुझे पता है वो टाइम पे मैं बहुत आर्टिकल्स पढ़ता था। और ये वही था यार कि 500 सीसी का बाइक लेने के लिए वी हैड टू थिंक अ लॉट ऑफ टाइम्स, बिकॉज वो ऐसा था ना भाई कि मेरे डैड की जॉब, मतलब स्टिल ही हैज़ अ जॉब, तो क्या है कि अपने मुंबई का निकला और बाकी यूट्यूबर्स की तरह कोई चलाने नहीं वाला रोज़ रोज़, तो वी हैड टू कीप इट। वीकेंड हुआ तो हम लोग कभी 100-150 किलोमीटर की राइड पे के लिए निकल जाते थे, अदर देन दैट हम लोग चलाते नहीं थे। तो इट वॉज़ अ डिफिकल्ट डिसीजन टू बाई अ 500, क्योंकि 500 का प्राइस भी बहुत ज़्यादा था एंड 350 के लिए ऐसा था ना भाई कि 350 वॉज लाइक ऑलमोस्ट हाफ द प्राइस। अब ये जो थंडरबर्ड है ये दो वेरियंट्स में लॉन्च हुआ इन 2013, तो दिस इज़ द 500 और एक ऐसा ही सिमिलर बाइक है जो है 350। तो 350 एंड 500 वर द टू बाइक्स। नाउ इनिशियली वी आर गोइंग टू बाई द 350, बट वो सर्विस सेंटर वाले ने ही हम लोग को रिकमेंड किया कि नहीं भाई आप 500 लो, बिकॉज द थिंग वॉज कि हम लोग ने उसको बताया कि हम लोग का बाइक ज़्यादा चलने नहीं वाला, वीकेंड पे ही चलेगा, रोज़ रोज़ नहीं चलने वाला, वो खड़ा ही रहने वाला है जस्ट लाइक इट इज़ राइट नाउ। तो उसने बोला, उसने सजेस्ट किया कि 500 ले लो, बिकॉज अगर 350 अगर आपका नहीं, मतलब 350 लोगे और चलाओगे नहीं तो इट विल गिव अ लॉट ऑफ मेंटेनेंस, लॉट ऑफ सर्विस एंड ही वॉज राइट। हम लोग ने 500 लिया भाई, आज तक कभी भी मेंटेनेंस का कोई इश्यू नहीं आया एंड फाइनली इन 2013 वी बॉट द 500 एंड वी आर वेरी हैप्पी विद इट नाउ। भाई एनी प्राइस फॉर गैसेस, ये जो बाइक है ये 6 साल में सिर्फ 10,000 किलोमीटर चलाया, ज़्यादा इसको चलाया भी नहीं है, बिकॉज एज आई सेड ये खड़ा ही रहता है वीकेंड्स पे। अभी कल मैं और मेरे डैड गए थे एक राइड पे, तो हम लोग बैंड्रा बैंडस्टैंड जाके आए, उसका व्लॉग आपको थर्सडे को देखने मिलेगा। तो वो राइड की हम लोग ने और बहुत मज़ा आया, ऑलमोस्ट आफ्टर लाइक व्हाट 2 ईयर्स हम लोग ने बाइक को लंबा चलाया। उसके पहले तो भाई खड़ा ही रहता था इसका, मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ ही बिगड़ गया था। तो राइट नाउ द ओडोमीटर रीड्स 10,115 एंड ऑलमोस्ट 2020 के बिगनिंग में वी हैड मेड अ कॉल टू सेल दिस बाइक, बिकॉज द थिंग वॉज यार कि हम लोग कोई चलाने ही नहीं वाला था। मैं 17-18 साल का था तो मेरा मतलब फुल लाइसेंस आने के लिए टाइम लगता है, और इतना बड़ा बाइक मेरे डैड मुझे लर्निंग लाइसेंस पे कभी चलाने ही नहीं देंगे, तो वो था। तो वी वर लाइक चलो बेच देते हैं एंड देन फाइनली जुनैद भाई, अगर आप मुंबई के निखिल के व्लॉग्स अपने लद्दाख वाले देखे 2018 के, तो यू माइट बी नोइंग मुर्थास जुनैद। तो जुनैद भाई का नंबर था मेरे पास, अभी भी है, तो आई कॉल्ड जुनैद भाई एंड आई वॉज लाइक, मतलब उनका नंबर था एंड आई वॉज लाइक कि चलो एक बार पूछते हैं, बिकॉज ही डज दैट रॉयल एनफील्ड वर्क। उनको मैंने फ़ोन किया, उनको मैंने पूछा कि जुनैद भाई ऐसा ऐसा सीन है, हम चलाते नहीं है एंड सर्विस सेंटर अच्छे नहीं है इधर मुंबई में रॉयल एनफील्ड के, तो ही वॉज लाइक ही सजेस्टेड मी एंथनी का सर्विस सेंटर जो अभी जुहू में है एंड एंथनी इज़ लाइक द डॉक्टर ऑफ रॉयल एनफील्ड। वो एक छोटा सा वीडियो है जो मैं इधर प्ले करूँ। तो ये जो है ही वॉज एंथनी, और भाई एंथनी भाई को रॉयल एनफील्ड लेके भाई इट वॉज लाइक द बेस्ट एवर डिसीजन ऑफ माई एंड माई डैड्स लाइफ की। ही टोक आवर बाइक, ही सर्विस डेट, और भाई अभी ग्रंटीनेस सुनो इंजन के अंदर, मतलब इंजन का जो आवाज़ है वो सुनो एकदम, मतलब जो बाइक हो गया। एंड ही रिमूव्ड ऑल द एंटीरियर सॉल्यूशन, ब्रेक पैड चेंज कर दिए एंड एवरीथिंग, ही बेसिकली सर्विस द एंटायर बाइक। और भाई एंथनी को देखे, मतलब इट वॉज एज आई सेड द बेस्ट डिसीजन, मैं इतना खुश हूँ ना। ब्रेक, एक्चुअली द थिंग इज कि ब्रेक पैड्स और इंजन ऑयल में एंथनी की मोनोपोली है, वो कंपनी का ब्रेक पैड नहीं यूज़ करता, वो अपने खुद का एक इंजन ऑयल है और ब्रेक पैड यूज़ करता है। भाई क्या ब्रेक है, मतलब अगर इफ़ यू आर गेसिंग वॉट इट इज़, तो एक्चुअली बिल्डिंग नया नया, ये जो बिल्डिंग है नया नया बना है, तो इधर सबके घर में ग्रिल डालने वाले हैं, तो ग्रिल का पेंटिंग का काम चालू था कल, तो मैं कल एक्चुअली ये वीडियो शूट करने वाला था और मैंने देखा इधर सब लोग पेंट कर रहे थे, तो ऑब्वियसली आई वुड नॉट बी एबल टू शूट द व्लॉग। तो मैंने बोला अभी आज कोई था, मौके पर चौका मारा और व्लॉग बना डाला आज। तो भाई द मेन डिटेलिंग एंड एवरीथिंग एंथनी हैज़ डन इज़ कि एज आई सेड ये जो ब्रेक्स वगैरह थी आगे की और पीछे की, वो एकदम मस्त तरीके से सर्विस कर दी। अभी मैं आपको इंजन की ग्रंटीनेस सुनाऊंगा, भाई विल जस्ट गो मैड, मतलब खाली आवाज़ सुनना, इंजन का आवाज़ सुनना, वो एकदम ऐसे ट्रायम्फ वगैरह बाइक में जो जूम 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 करके आवाज़ आता है वैसा आवाज़ आ रहा है अभी देखो।
भाई पैसे गारंटी नहीं इसके। तो दिस वॉज द स्टोरी, दिस वॉज हाउ वी बॉट द बाइक। अभी मुझे पता है ये वीडियो बहुत ज़्यादा छोटा था, बट मेरे पास और कुछ था नहीं बताने के लिए, एंड आई वॉज लाइक ये जो पूरा वीक है, ये पूरे वीक में मुझे मेरे बाइक के रिलेटेड ही रखना है। तो ये जो वीडियो था, दिस वॉज अबाउट हाउ वी गॉट द बाइक। एंड कल मैंने एक वीडियो शूट किया जो थर्सडे को आएगा, एज आई सेड इन द अर्लियर पार्ट ऑफ द व्लॉग। तो वो वीडियो में हम लोग मतलब बैंड स्टैंड गए थे इधर से कू में पूरा, तो उसको एक स्टोरी टाइप व्लॉग मैं बनाऊंगा। इस टाइप के व्लॉग्स एक्चुअली मैं 2016 के टाइम में बनाता था, जब मेरे पास कुछ कंटेंट नहीं होता था तो मैं बाइक पे पीछे बैठ के वीडियो बनाना चालू कर देता था। सो दिस वाज इट फॉर द व्लॉग। फॉर व्हाट एवर रीजन इफ यू एंजॉयड वाचिंग प्लीज हिट द लाइक बटन। मुझे पता है यार, आई नो इट इज स्मॉल, बट ठीक है, अभी क्या कर सकते। सो दिस वाज इट, नेक्स्ट व्लॉग आपको बहुत मजा आएगा देखने के लिए। सो दिस वाज इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग थर्सडे को।